हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी कैसे करें या फिर नया बैंक अकाउंट ऐड करें, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इसलिए फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए आगे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। फ्रेंड, बहुत से पीएफ मेंबर ऐसे होते हैं जो पीएफ में अपना बैंक अकाउंट चेंज नहीं कर पाते हैं और उनकी बैंक केवाईसी पेंडिंग में ही पड़ी रहती है, क्योंकि फ्रेंड जब तक पीएफ में हमारी केवाईसी नहीं होगी तब तक हम कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना केवाईसी के कोई भी फॉर्म ओपन नहीं होगा। फिर मेंबर कंपनी में बोलते हैं तो कंपनी वाले जल्दी से सुनते नहीं हैं, और अगर बैंक ऐड भी कर देते हैं तो फिर एम्प्लॉयर से अप्रूव कराना पड़ता है, जब जाके हमारे पीएफ अकाउंट में पूरी केवाईसी कंप्लीट हो पाती है, उसके बाद ही फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी कैसे करें, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इसलिए फ्रेंड वीडियो को ध्यान से देखना जब भी आप केवाईसी कर पाएंगे। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो और अपडेट लाता रहूं और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड, सबसे पहले हम गूगल पर मेंबर होम टाइप करके यहाँ नीचे फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस अलर्ट को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर अपना यूएन नंबर और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी सेंड हो जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पर। फिर यहाँ बॉक्स में ओटीपी टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे कैप्चा कोड टाइप कर देंगे। फिर यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ लेटर पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड देखिए, हमारी पीएफ साइट ओपन हो गई है। फिर यहाँ पर हम मैनेज पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ पर हम केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, हमें यहाँ पर इस मेंबर का नया बैंक अकाउंट ऐड करना है, क्योंकि इस मेंबर का पहले SBI अकाउंट था और अब हमें इसको चेंज करना है। फ्रेंड, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। फ्रेंड, यहाँ पर आपको बैंक का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, उसके बाद आपके सामने KYC वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नाम के आगे बैंक अकाउंट नंबर के नीचे बॉक्स में अपना नया बैंक अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे, जो हम चेंज करना चाहते हैं या फिर जिस बैंक की KYC कराना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर के नीचे भी वही सेम अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे जो आपने यहाँ ऊपर टाइप किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर बैंक का IFC कोड टाइप कर देंगे। IFC कोड आपको चेक या पासबुक पर मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई IFC का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा, फिर हमारा IFC कोड वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ओके कर देंगे। फिर यहाँ बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा, फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बॉक्स में OTP टाइप कर देंगे। फिर यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी बैंक KYC अपडेट हो जाएगी। फ्रेंड देखिए, हमारी बैंक KYC अपडेट हो गई है और यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, ए नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। मतलब आपने जो भी बैंक अकाउंट ऐड किया है वो अपडेट हो गया है और वेरिफिकेशन के लिए अंडर प्रोसेस में चला गया है, और उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज द्वारा सेंड हो गई है। फिर यहाँ पर आप चेक करोगे स्टेटस के नीचे, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। अभी अप्रूव कैसे होगा इसके मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ। अगर आपने नया बैंक अकाउंट ओपन करवाया है तो उसमें जो बैंक में KYC होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, वो KYC आप बाद में अप्रूव कराना। पहले यहाँ पर अपने PF अकाउंट में बैंक को ऐड कर लेना, ताकि जब भी बैंक वाले KYC करे तो आपके PF अकाउंट में भी KYC ऑटोमेटिक हो जाए और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि वेरीफाइड ऑनलाइन बाय बैंक। अगर इससे KYC ना हो तो फिर आपको कंपनी में बात करनी है, जो भी HR है या कंपनी के मालिक है
तो फिर वो आपकी केवाईसी, डीएससी टोकन या फिर ई साइन से अप्रूव करेंगे। उनके अप्रूव करने के बाद हैंड टू हैंड आपके पीएफ अकाउंट में भी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा अप्रूव्ड बाय डीएससी या फिर ई साइन, जिससे भी कंपनी अप्रूव करे। तो फ्रेंड आई होप कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड ऐसे आप अपने पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी अपडेट करें, वो भी बिना कंपनी के। और फ्रेंड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।